डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाणे डिस्कस कयूं था प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। उन खां पोइ डिस्कस कंदासीं ग्रेफाइट खे। पहिरीं त मां डायमंड जे बारे में तव्हांखे कुझु ॿुधाईंदो हलां त जेको हार्डेस्ट, सख़्त खां सख़्त जेको नेचुरल सब्सटेंस आहे यादि कंदव, उहो डायमंड आहे। टॉपिक असांजो हूंदो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। उनमें जेका हाइब्रिडाइजेशन आहे डायमंड में, उहा SP3 हाइब्रिडाइजेशन आहे। ऐं हिन धरती ते जेको कुदरती तरह जेको हार्डेस्ट, सख़्त खां सख़्त जेको सब्सटेंस आहे, नंबर 1 पॉइंट त उहो डायमंड आहे। उनखां पोइ इहो यादि करणो हूंदो त जेको प्यूर डायमंड हूंदा आहिनि उहे कलरलेस हूंदा आहिनि। उन्हनि में इम्प्यूरिटी अचण जे करे डायमंड कलर्ड थींदा आहिनि। डायमंड कलर्ड कलर डायमंड में तॾहिं ईंदो आहे जॾहिं उन में का न का इम्प्यूरिटी हुजे, पोइ उहो ब्लू, रेड, ब्लैक, मुख़्तलिफ़ कलर्स जा डायमंड थियनि था। उनखां पोइ जेका डायमंड में जेका प्रॉपर्टी मूंखे यादि करणी हूंदी त असां एक्सरेज़ खे इस्तेमालु कंदा आहियूं इन जे लाइ त असां फ़र्क़ु मालूम करे सघूं त नकुल डायमंड ऐं असुल डायमंड जे विच में। यादि कंदो त एक्सरे इज़ यूज़्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इमिटेशन एंड प्योर डायमंड। इमिटेशन चवंदा आहियूं नकलीअ खे ऐं प्योर चवंदा आहियूं असलीअ खे। त असली ऐं नकली डायमंड में फ़र्क़ु करण जे लाइ असां एक्सरेज़ खे इस्तेमालु कंदा आहियूं। उनखां पोइ जेका इन में पॉइंट हूंदी जेका अव्हांखे सम्झणी हूंदी त जेकॾहिं असां प्योर डायमंड जो एक्सरे वठंदासीं त उहो बिल्कुलु ट्रांसपेरेंट ईंदो। अगरि इम्प्योर या इमिटेशन जेकॾहिं डायमंड हूंदो त उनजो एक्सरे ट्रांसपेरेंट न ईंदो। इहो फ़र्क़ु मइलूम करण जे लाइ त आया डायमंड इमिटेशन आहे या प्योर आहे, असां उनजो एक्सरे वठंदासीं। अगरि एक्सरे ट्रांसपेरेंट आयो दैट मीन्स इट इज़ प्योर डायमंड। अगरि एक्सरे ट्रांसपेरेंट न आयो दैट मीन्स इट इज़ इमिटेशन डायमंड। उनखां पोइ डायमंड जो जेका वैल्यू आहे, जेका क़ीमत आहे, उहा इन ॻाल्हि ते डिपेंड कंदी आहे त डायमंड जो साइज़ केतिरो आहे ऐं डायमंड जो कलर कहिड़ो आहे। डायमंड मुख़्तलिफ़ कलर्स जा अचनि था, पर बुक जंहिं ते वधीक डिस्कस करे थो उहो ब्लैक डायमंड आहे। ब्लैक डायमंड में असां कोचिंग क्लासिस में ॿिनि डायमंड्स खे वधीक तवजो ॾिनी हूंदी। हिकिड़ो हूंदो बोट ऐं ॿियो हूंदो कार्बोनेडो। इहे ब्लैक डायमंड जा क़िस्म आहिनि जेके इस्तेमालु थींदा आहिनि पहाड़नि खे बोर करण जे लाइ या ड्रिल करण जे लाइ या पहाड़नि में पथरनि में सुराख करण जे लाइ। बोट एंड कार्बोनेडो आर यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक्स। उनखां पोइ असां कुझु वेल नोन डायमंड्स आहिनि जिन जा एग्ज़ाम्पल लिखिया आहिनि रीडिंग कयूंसि था। आई होप अव्हांखे काफ़ी क्लियर थी वेंदो। डायमंड यादि कंदो इज़ नेचुरल माना कुदरती हार्डेस्ट सब्सटेंस, सख़्त खां सख़्त शइ आहे। विथ हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हाई आहे, यादि कंदो केतिरो आहे, यादि करणी पवंदी 2.45 या डायमंड जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आहे। प्योर डायमंड्स आर कलरलेस, जेके असली डायमंड आहिनि उनजो को बि कलर न हूंदो आहे। बट ड्यू टू प्रेज़ेंस ऑफ इम्प्योरिटी दे आर कलर्ड। इम्प्योरिटी हुअण जे करे उनजा कलर थींदा आहिनि ब्लू, ब्लैक, रेड वग़ैरह वग़ैरह। ही अहम तरीन पॉइंट आहे जेका पुछी वञे थी त एक्सरे इज़ यूज़्ड टू डिस्टिंग्विश माना फ़र्क़ु करणु बिटवीन इमिटेशन माना नकल एंड प्योर डायमंड असली डायमंड। एक्सरे खे इस्तेमालु कयो वेंदो आहे फ़र्क़ु मइलूम करण जे लाइ त आया डायमंड इमिटेशन आहे या प्योर आहे। इहो यादि करणो हूंदो। हीअ वरी उन सां ई कंसर्न पॉइंट आहे त प्योर डायमंड इज़ ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे। जेको प्योर डायमंड हूंदो उहो एक्सरे में ट्रांसपेरेंट हूंदो। वैल्यू ऑफ डायमंड डिपेंड अपॉन इट्स साइज़ एंड कलर। यादि कंदो त डायमंड जो जेको वैल्यू आहे उहा छा ते डिपेंड कंदी आहे, हिकिड़ो उन जे साइज़ ते ऐं ॿियो उन जे कलर ते। ब्लैक डायमंड, इहे ॿ मशहूरु आहिनि, हिकिड़ो बोट ऐं कार्बोनेडो। इहे बोट ऐं कार्बोनेडो छा आहिनि, इहे ब्लैक डायमंड्स आहिनि। इन्हनि जो इस्तेमालु छा आहे, ब्लैक डायमंड्स आर यूज़्ड फॉर ड्रिलिंग एंड बोरिंग रॉक्स। ब्लैक डायमंड इस्तेमालु थींदा आहिनि पथरनि में बोर करण जे लाइ या ड्रिल करण जे लाइ, मतिलबु सुराख करण जे लाइ। उनखां पोइ असां कुझु वेल नोन डायमंड्स लिखिया आहिनि जेके मशहूरु डायमंड आहिनि। उनमें कोहिनूर आहे, रीजेंट आहे, एक्सेलज़र आहे, विक्टोरिया आहे, होप आहे, स्टार ऑफ साउथ आहे, क्यूलिनन आहे। इहे वेल नोन डायमंड्स जा नेम आहिनि। इनखां पोइ असां चऊं था त डायमंड में असां तव्हांखे फर्स्ट ईयर में पढ़ाईंदा आहियूं त डायमंड में ईच कार्बन इज़ बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स एट एन एंगल ऑफ, इन जे विच में जेका एंगल हूंदी आहे डायमंड में उहा 109 डिग्री जी हूंदी आहे, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं टेट्राहेड्रल एंगल। इहे टेट्राहेड्रल जेके यूनिट्स हूंदा उहे जॾहिं पाण में यूनाइट थींदा त डायमंड में जेके क्रिस्टल्स ठहंदा उन्हनि क्रिस्टल जी स्ट्रक्चर क्यूबिक हूंदी।
उनखां पो हे हिकड़ो इलेक्ट्रॉन आ हे हन कार्बन जो आ बियो हे हिन जो आ हे हिकड़ो इलेक्ट्रॉन हे बियो ही ट्रियों आ ही चौथो बॉन्ड ठाने जे लाय हिकड़ो हिकड़ो इलेक्ट्रॉन पान में ये शेयर कंदा ही इनन जा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हिन आ कार्बन जे वैलेंस में ये चार आहन इनमें याद जो इंटरमीडिएट लेवल तो इो करो हों इन डायमंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ये लोकलाइज्ड इन बॉन्डन में ही इलेक्ट्रॉन पेयर आ ही इलेक्ट्रॉन पेयर आ जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डायमंड में ये लोकलाइज्ड माना एक हंध फिक्स हों ये बिजी हों इलेक्ट्रॉन पेयर्स डायमंड में याद कद तो लोकलाइज्ड होने के डायमंड इज द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उनखां पो अवां के याद करना हुंदो त डायमंड में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड डिस्टेंस आहे वो 1.54 डिग्री एंगस्ट्रम आहे इन जो मतलब छाहे त हिन कार्बन खां हिन कार्बन ताईं यो जो डिस्टेंस हुंदो इन के बॉन्ड डिस्टेंस चवंदासीं ऐं डायमंड में याद कंदो त यो 1.54 डिग्री एंगस्ट्रम थिए थो ही जो डिस्टेंस हुंदो हिक कार्बन खां ॿी कार्बन में बॉन्ड डिस्टेंस इन डायमंड वो वैल्यू याद कर भी तो 1.54 डिग्री एंगस्ट्रम आहे जेका बॉन्ड एनर्जी आहे वह डायमंड में वह 347 किलो जोल पर मोल आहे दैट मींस इन बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए जेका एनर्जी रिक्वायर्ड होंदी उनके बॉन्ड एनर्जी चाहिए वह जेका बॉन्ड एनर्जी आ डायमंड जी वह याद कर दो वैल्यू याद कर दो 347 किलो जोल पर मोल तो डियर स्टूडेंट्स ही कुछ प्रॉपर्टीज अस डिस्कस क्या स्ट्रक्चर डिस्कस क्या अबाउट डायमंड अवां के ये याद करना हों जिनमें मेन पॉइंट होंगी तो डायमंड नेचुरल अगर पुछजे तो हार्डेस्ट सबस्टेंस कड़ो आवा याद कंदा वो डायमंड आ हाइब्रिडाइजेशन याद कंदा तो डायमंड जो हाइब्रिडाइजेशन आ वो sp3 आ डायमंड जो एंगल याद कंदा उनजो बॉन्ड डिस्टेंस याद कंदा उनजी बॉन्ड एनर्जी याद कंदा इहो याद करनो हुंदो तो जेके प्योर डायमंड इन उहे कलर लेस आहन इमिटेशन डायमंड जेके आहन उहे कलर थींदा आहन उन्हनि जे इम्प्योरिटी हुअण जे करे ऐं डायमंड मालूम करणो आहे त प्योर आहे जा इमिटेशन आहे असां एक्सरेज़ खे इस्तेमालु कंदासीं एक्सरे अगरि डायमंड जो ट्रांसपेरेंट आयो दैट मीन्स इट इज़ प्योर डायमंड अगरि ट्रांसपेरेंट न आयो दैट मीन्स इट इज़ इमिटेशन डायमंड ऐं डायमंड जी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तमामु घणी हाई हूंदी उहा यादि करणी हूंदी त उहा 2.45 आहे उनखां अलावा ब्लैक डायमंड जा नेम्स याद कबा ब्लैक डायमंड आहिनि बोट ऐं कार्बोनेडो जेको ड्रिलिंग ऐं बोरिंग रॉक्स में इस्तेमालु थींदा आहिनि हाणे असां अचूं था ग्रेफाइट जे तरफ़ डियर स्टूडेंट्स हाणे डिस्कस कयूं था प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइट जा प्रॉपर्टीज़ ऐं उनजे स्ट्रक्चर जे बारे में पहिरीं तव्हांखे उनजी हाइब्रिडाइजेशन यादि करणी पवंदी त ग्रेफाइट जो जेको हाइब्रिडाइजेशन आहे उहो sp2 आहे पहिरां रीडिंग कयूं था त ग्रेफाइट जो पहिरां कलर यादि करिणो हूंदो त ग्रेफाइट इज़ डार्क ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ डल मेटालिक क्लस्टर ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट ग्रेफाइट लीव्स ब्लैक मार्क ऑन पेपर सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग वॉट यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स graphite is also used in making electrodes in graphite hexagonal layers are ye value yaad karni hundi 3.35 degree angstrom away from each other and hexagonal layers are held together by weak van der waal force interlayer binding energy in graphite value yaad karni hundi 3.99 kilojoule per mole the dear students ग्रेफाइट में जेके शयूं यादि करणी हूंदियूं पहिरियों त उनजो कलर आहे यादि कंदो त ग्रेफाइट जो जेको कलर आहे उहो डार्क ग्रे आहे उनमें जेका लस्टर आहे उहा डल मेटालिक लस्टर आहे उनखां पोइ ग्रेफाइट में यादि करणो हूंदो त ग्रेफाइट इज़ यूज एज़ अ लुब्रिकेंट ग्रेफाइट लुब्रिकेंट तौरु इस्तेमालु थींदो आहे एंट्री टेस्ट में पुछियो वेंदो आहे त विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज़ अ लुब्रिकेंट मुख़्तलिफ़ ऑप्शन्स हूंदा यादि कंदव त लुब्रिकेंट तौरु असां जेको यूजुअली इस्तेमालु कयूं था बुक जंहिंजी डिस्कशन करे रहियो आहे उहो ग्रेफाइट आहे ग्रेफाइट जे लाइ हिकिड़ो जुमिलो मशहूरु आहे त ग्रेफाइट लीव्स ब्लैक मार्क ऑन पेपर ग्रेफाइट जो जेको पेपर ते ब्लैक मार्क ईंदो आहे सो ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स ग्रेफाइट जो जेको इस्तेमालु आहे उहो एक्चुअली पेंसिल्स ठाहिण में आहे पेंसिल जो जेको गोरो आहे उन में ग्रेफाइट जो घणो इस्तेमालु थियलु आहे पुछो वञे त विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज़्ड इन मेकिंग पेंसिल्स त जवाबु हूंदो ग्रेफाइट ईअं पुछंदा आहियूं त विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीव्स ब्लैक मार्क ऑन पेपर
उनखां पोइ जेको ग्रेफाइट जो यूज़ आहे उहो यूज़ आहे एज़ अ मॉडरेटर। मॉडरेटर चइबो आहे जेको न्यूट्रॉन जी स्पीड खे स्लो करे इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इहो बि यादि करणो हूंदो त ग्रेफाइट न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ग्रेफाइट खे यूज़ कयो वेंदो आहे एज़ अ मॉडरेटर। अगर पुछजे त विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑप्शन्स अगरि ग्रेफाइट आहे तव्हांखे ग्रेफाइट करणो पवंदो। ग्रेफाइट कंडक्टर आहे इलेक्ट्रिकसिटीअ जो, तंहिंजे करे ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। इन खां पोइ जेका अहम पॉइंट आहे त ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर्स थियनि था। हेक्सागोनल लेयर हिक ॿिए खां जेको परे हूंदा, हेक्सागोनल लेयर्स जे विच में जेको डिस्टेंस हूंदो उहा वैल्यू यादि कंदो त उहा 3.35 डिग्री एंगस्ट्रम आहे। ऐं हेक्सागोनल लेयर्स जेके हेल्ड हूंदा, ॻंढियल हूंदा थ्रो वीक वन रिवाल फोर्स। ऐं इन्हनि इंटर लेयर जेका बाइंडिंग एनर्जी आहे इन्हनि लेयर्स जी, उनजी वैल्यू आहे 3.99 किलो जोल पर मोल। जेकॾहिं ग्रेफाइट जे स्ट्रक्चर खे ॾिसिजे त इन ग्रेफाइट वन कार्बन इज़ बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स। ऐं एंगल असां फर्स्ट ईयर में पढ़ाईंदा आहियूं उनमें 120 डिग्री हूंदो। इंटर में हिकिड़ी पॉइंट वधाए रहिया आहियूं त इन ग्रेफाइट जेको कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस आहे उहो यादि करणो हूंदो त उहो 1.42 डिग्री एंगस्ट्रम आहे। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस 1.42 आहे, जॾहिं त डायमंड में 1.54 डिग्री एंगस्ट्रम आहे। ग्रेफाइट में जेका एंगल आहे उहा 120 जी आहे, डायमंड में इहा एंगल 109 जी आहे। हिन जो जेको स्ट्रक्चर ठहंदो उहो ठहंदो ट्राइगोनल। ऐं जेके इन जा लेयर्स मिली करे जेका क्रिस्टल्स ठाहींदा या लेयर्स ठाहींदा उहे हूंदा हेक्सागोनल। हिन में हाइब्रिडाइजेशन असां ॿुधाए चुका आहियूं त SP2 आहे। ग्रेफाइट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी। उनजो जेको जवाबु आहे इंटरमीडिएट लेवल ते उहो हूंदो ड्यू टू डी लोकलाइज्ड पाए बॉन्ड। इहो यादि कंदो फस्ट ईयर में छा चवंदा आहियूं, बिकॉज इट कंटेन वन फ्री इलेक्ट्रॉन। पर इन खां अलावा इंटरमीडिएट में जेको बहितर जवाबु आहे उहो आहे ड्यू टू डी लोकलाइज्ड पाए बॉन्ड। ग्रेफाइट में डी लोकलाइज्ड पाए बॉन्ड आहिनि, जॾहिं त डायमंड में लोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर आहिनि। डायमंड में लोकलाइज्ड आहिनि ऐं ग्रेफाइट में डी लोकलाइज्ड माना जेको हिकु जॻह ते न पर मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते मूव करे मूव कंदो रहे, कंहिं फिक्स जॻह ते न हुजे त पोइ चवंदा आहियूं उहो डी लोकलाइज्ड आहे। फिक्स हिकिड़ी जॻहनि ते मौजूदु हुजे त पोइ उनखे चइबो आहे उहो लोकलाइज्ड आहे। डायमंड में इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड आहिनि, ग्रेफाइट में जेके पाए बॉन्ड आहिनि उन जा उहे डीलोकलाइज्ड आहिनि। डीलोकलाइज्ड पाए बॉन्ड हुअण जे करे ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिकसिटी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इट्स लेयर। जेकॾहिं फस्ट ईयर में अव्हांखे यादि हुजे त पाए बॉन्ड तॾहिं ठहंदो आहे जॾहिं ऑर्बिटल्स जो पैरेलल ओवरलेप थिए। पैरेलल ओवरलेप थियण जे करे पाए बॉन्ड ठहंदो आहे। डीलोकलाइज्ड पाए बॉन्ड आहे तंहिंजे करे ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकसिटी कंडक्ट बि पैरेलल कंदो टू द प्लेन ऑफ इट्स लेयर्स। यादि कंदो त ग्रेफाइट परपेंडिकुलर न, वरी बि रिपीट थो कयां त ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकसिटी कंडक्ट कंदो आहे पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इट्स लेयर्स। त हीअ कुझु प्रॉपर्टीज़ हुया ऐं स्ट्रक्चर हुया ग्रेफाइट जे मुतालिक़। मां वरी बि हल्को रिव्यू ॾियां थो त ग्रेफाइट डार्क ग्रे आहे। ग्रेफाइट यूज़ थींदो आहे एज़ अ लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट लीव्स ब्लैक मार्क ऑन पेपर, सो यूज़ इन मेकिंग पेंसिल्स। And graphite is also used as a moderator in nuclear reactor. It is used in making electrodes. Graphite mein jo hexagonal layers jo distance avan ke yaad karna hundo 3.35 degree angstrom, they are away from each other and held together by weak van der Waals forces. Unki binding energy yaad karni hundi. Unka ilawa yaad karna hundo the graphite mein one carbon is bonded to three other carbon atoms. Un jo bond angle aahe carbon carbon distance aahe, carbon carbon distance ka ilawa ye trigonal hain. ऐं ट्राइगोनल मिली करे हेक्सागोनल लेयर्स ठाहींदा आहिनि। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकसिटी कंडक्ट करे थो, रीज़न हूंदो डीलोकलाइज्ड पाए बॉन्ड। अच्छा, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट इन जे करे आहे छाकाणि त इंटर लेयर डिस्टेंस हुनजो तमामु घणो आहे, उहो 3.35 डिग्री एंगस्ट्रम अवे हुअण जे करे, एतिरो डिस्टेंस हुअण जे करे लेयर्स ईज़ीली स्लाइड कंदा। जॾहिं लेयर्स ईज़ीली स्लाइड कंदा त उहा शइ इस्तेमालु करे सघिजे थी एज़ अ लुब्रिकेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रेफाइट। असां हाणे नेक्स्ट टॉपिक में मिलंदासीं। थैंक यू।